बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल विल बी फाइन विद द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। आई एम योर टीचर ऑफ इंग्लिश क्लास टू। इन टुडेज लेक्चर आई विल एक्सप्लेन थर्ड असाइनमेंट फॉर जून 2020, होम टास्क नंबर 3। ओके, आज के लेक्चर में जो आपको SVT थर्ड नंबर पर SVT दी गई है, जून के लिए होम टास्क जो दिया गया है वो मैं एक्सप्लेन करूँगी इंग्लिश सब्जेक्ट का। ओके, वर्क फ्रॉम होम प्रोजेक्ट थर्ड असाइनमेंट फॉर जून 2020 क्लास टू। डियर स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट होम टास्क था वो यूनिट वन और टू में से दिया गया था। होम टास्क नंबर टू यूनिट 3 और 4 में से दिया गया था, और अब जो होम टास्क नंबर 3 है ये यूनिट नंबर 5 और 6 में से है। ठीक है, पिशावर मॉडल स्कूल थर्ड होम टास्क फॉर क्लास टू फॉर द मंथ ऑफ जून 2020 इंग्लिश, ओपन पेज नंबर 21। क्वेश्चन 1 ऑफ यूनिट 5 है इस होम टास्क में। मेगल हेल्प्स आउट, मेगल मदद करता है। मेगल एक बकरा है। ठीक है, इस यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट एंड राइट अंडर द गिवन क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसके आंसर इन स्टेटमेंट्स में मौजूद हैं, इसमें से करेक्ट वन चूज़ करें और फिर उसको राइट करें जिस तरह के मैंने राइट किया है, लेकिन आप लोग पेंसिल यूज़ करेंगे। व्हाट डिड द फार्मर कट, किसान ने क्या काटा। द फार्मर कट द वूल, द फार्मर कट द वूल, किसान ने ऊन काटी। ठीक है, क्या काटा था उसने, उसने शीप की जो ऊन होती है, वूल होता है, उसको काटा था। व्हाट वॉज देयर इन द यार्ड, सहन में क्या था। देयर वॉज पेंट इन द यार्ड, सहन में पेंट पड़ा हुआ था, रंग पड़ा हुआ था। ठीक है, राइट द स्टेटमेंट over here. See who had a red mark on his back, किसकी कमर पर सुर्ख कलर का निशान था। Alan had a red mark on his back, Alan जो शीप था उसके बैक पर, उसकी कमर पर रेड कलर का निशान था। ठीक है, लाल रंग का निशान था, सुर्ख रंग का। Who was a goat, बकरा कौन था। Megal was a goat, Megal जो था वो एक बकरा था। ठीक है, Megal was a गुड। नाउ नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन 2, इज इट येलो, क्या ये येलो है, जर्द कलर का है, पीले कलर रंग का है, ग्रीन सब्स है, ठीक है, हरा है, रेड सुर्ख है, या वाइट सफ़ेद है। इसमें से ये जो चीज़ों के नाम दिए गए हैं बताना है कि इन चीज़ों का क्या कलर होता है। ये एक्सरसाइज जो है ये यूनिट 5 मेगल हेल्प्स आउट में की बुक एक्सरसाइजेज में मौजूद है, बुक में। ठीक है, नंबर 1, ग्रास किस कलर में होती है, ग्रीन। ओके, क्लाउड बादल, ग्रास घास जो होती है वो ग्रीन होती है, क्लाउड बादल वाइट होते हैं, सन सूरज येलो होता है, बनाना जब बंद होता है, ठीक है, छिलका उसका नहीं उतारा होता तो वो येलो होता है, लीफ ग्रीन कलर में होता है, स्ट्रॉबेरी रेड होती है, मिल्क दूध वाइट होता है, लेटस जो है सैलड को कहते हैं, किस्म का सैलड है वो ग्रीन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, मेक सेंटेंसेस, जुमले बनाएं। मैंने यहाँ पर एक एक जुमला बना दिया है, अगर आप लोग ये लिखना चाहते हैं या इसी तरह के कुछ सेंटेंसेस, अगर आप लोग अपनी तरफ से सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है। द फर्स्ट सेंटेंस इज़ ऑन ग्रीन, पहला वर्ड है ग्रीन, हरा, सब्ज, आई लाइक ग्रीन कलर, मुझे ग्रीन कलर अच्छा लगता है, मुझे सब्ज़ रंग अच्छा लगता है, मुझे सब्ज़ रंग पसंद है। ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं आई लाइक ग्रीन लीव्स, या ठीक है कुछ भी। सैड, ही इज़ सैड टुडे, वो आज उदास है। सैड मीन्स अफसरदा, उदास। कोल्ड मतलब सर्द, ठंडा, आई लाइक कोल्ड ड्रिंक, मुझे ठंडी ड्रिंक मतलब पीने का मशरूब, मुझे ठंडा शरबत अच्छा लगता है, लाइक कोल्ड ड्रिंक। हैप्पी, खुश, यू आर हैप्पी, आप खुश हैं। कट, काइंडली कट दिस पेपर, मेहरबानी करके इस
कागज़ को काट दें। मैंने एक एक जुमला बना दिया है सिर्फ आपको समझाने के लिए, अपनी तरफ से सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन 4, क्रिएटिव राइटिंग। द गोट, राइट क्रिएटिव राइटिंग ऑन द गोट, गोट पर क्रिएटिव राइटिंग, तख्लीकी तहरीर लिखें, मतलब अपनी तरफ से 5 जुमले लिखें। मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है, आप लोग इसे चेंज भी लिख सकते हैं। गोट इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल, बकरी या बकरा जो होता है वो एक घरेलू जानवर है, हम इसको घर में पालते हैं। इट हैज़ 4 लेग्स, इसकी 4 टांगें होती हैं। इट जो है वो प्रोनाउन है, गोट की जगह पर हम यूज़ कर रहे हैं। इट हैज़ अ स्मॉल टेल, इसकी छोटी सी दुम होती है। इट हैज़ हॉर्न्स, इसके सींग होते हैं। ऑन इट्स हेड, इसके सर पर, गोट या इट लिखना ज़्यादा सूटेबल है। इट हैज़ हूव्स, इसके खुर होते हैं। ऑन इट्स लेग्स, इसके इसकी टांगों पर, मतलब इसका जो पाँव होता है ना उस पर नीचे इस टाइप के हूव्स होते हैं, ठीक है, शूज़ टाइप के होते हैं। इसकी लेग्स पर 4 लेग्स होती हैं और उस पर इस तरह हूव्स होते हैं, ठीक है, खुर उसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट हैंड राइटिंग, क्वेश्चन 5, द शीप वर कोल्ड एंड सैड, जो भेड़ थे वो ठंडे थे, उनको सर्दी लग रही थी, उनको ठंड लग रही थी, एंड सैड और अफसरदा थे। ये मेगल हेल्प्स आउट के यूनिट में से लिया गया है। जब उनका वूल काट देता है फार्मर तो तब उनको सर्दी भी लगती है और वो अफसरदा भी होते हैं। यू हैव टू राइट दिस सेंटेंस 5 टाइम ओवर हेयर, आप लोग इस सेंटेंस को, सॉरी 4 टाइम लिखना है आप लोगों ने, ठीक है। राइट 4 टाइम, द शीप वर कोल्ड एंड सैड, द शीप वर कोल्ड एंड सैड, द शीप वर कोल्ड एंड सैड, द शीप वर कोल्ड एंड सैड। यू हैव टू राइट दिस सेंटेंस 4 टाइम्स ओवर हेयर, ओके। नाउ नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम यूनिट नंबर 5, फाइंड द राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स वो अल्फाज होते हैं जिस की आवाज़ एक जैसी होती है। आप लोगों ने बोल्ड की तरह के, जिस तरह ये जो आपको एग्जांपल दी गई है कि बोल्ड की, बोल्ड के साथ राइमिंग वर्ड्स बनाएं, बोल्ड की तरह देखें। बोल्ड मतलब बहादुर, कोल्ड मतलब ठंडा, टोल्ड मतलब बताया, सेकंड फॉर्म ऑफ टेल, ठीक है। इसी तरह जो यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं इसके साथ राइमिंग वर्ड्स लिखें कि मतलब उसकी आवाज़ सेम आए। टेम मतलब पालतू, सेम एक जैसा, नेम नाम, पेल मतलब येलो, येलोइश टाइप का, ठीक है। टेल मतलब कहानी, मेल मतलब मेल आदमी या नर, ठीक है। नाइस अच्छा, माइस चूहा, वाइस मतलब नाइब, एब या नुक्स, एब या नुक्स। नाइट रात, लाइट रोशनी, ब्राइट रोशन। सैड अफसरदा, बैड बुरा, ग्लैड खुशी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, वी हैव कम्प्लीटेड 6 क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट नंबर 5, मेगल हेल्प्स आउट, ओके। नाउ द रिमेनिंग SVT इज फ्रॉम यूनिट नंबर 6, वी विल कवर दिस यूनिट नंबर 6 इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। थैंक यू।